Sachin, when electrons drift in a conductor, it does not mean that all free electrons in the conductor are moving in the same direction. See, assertion region बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है. मैं आपको तरीका बताता हूँ. assertion region आपको 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. जब भी आप assertion पढ़े ना, रीजन कभी मत पढ़िए, assertion पे सोचिए. रीजन पढ़ते ही आपका दिमाग सिर्फ एक क्षेत्र में सोचने लगेगा, क्योंकि उसने बांध दिया है. रीजन पढ़ते ही आप बंद जाओगे उस चीज़ को सोचने में. प्रोसेस क्या है कि आप पहले असर्शन पढ़ा और सोचिए इस बारे में कि क्या सही है गलत है. तो अगर आपने कुछ सोचा है, अगर वो गलत है, तो ये वही चीज़ गलत भी यहाँ लिखी हो, ये बहुत कम संभावना है. दो सही चीज़ें हो सकती हैं, पर दो गलत चीज़ें अलग अलग एक साथ नहीं हो सकती. बहुत रेयर फिनोमिना होगा वो. तो आप ऑलरेडी बच जाओगे इस गलती करने से. हो सकता है गलत भी सोचो, दोनों गलत नहीं सोच सकते ना. यहाँ कुछ और लिखा होगा, फिर आपको अपनी सोच से बहुत डिफरेंट लगेगा रीज़न. फिर आप अगर दूसरे जोन में जाते हो तो फायदेमंद है. लेकिन आप पहले रीजन पढ़ लोगे तो फिर आप एक्स्ट्रा नहीं सोच पाते. इसलिए मैंने क्या बोला, मैं इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर डज नॉट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर आर मूविंग. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. वजह उसकी सुन लो क्या है. हम रीजन पढ़े नहीं है अभी तक. वजह क्या है कि जैसे आप बायस करते हो, यानी कि प्लस और माइनस लगाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कहीं जा रहे थे ऑलरेडी रैंडमली ऐसे ऐसे ऐसे, अब क्या ये सीधे मुड़ जाते हैं. बात बिल्कुल सही है कि वो जाते इस तरफ मुड़ जाते हैं जहाँ पे प्लस है, लेकिन भाई आगे कोलिजन भी तो होगा. कोलिजन फिर यहाँ चले जाएंगे, कोलिजन से फिर यहाँ चले जाएंगे, ये कोलिजन से फिर यहाँ चले जाएंगे. तो इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन दैट दे नेवर ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. दो मंजिल सबकी एक है पर दिशा सेम नहीं होगी. ठीक है, अब रीजन पढ़ लेते हैं. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपर पोस्ट ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये तो कोई बात ही नहीं हो रही, आसपास की बात भी नहीं हो रही है, तो हम सही हैं. ठीक है, वैसे भी सही था आंसर. अब ये बात किसको दर्शा रहा है भी सुन लीजिए. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपर पोस्ट, ये एक्चुअली उस क्वेश्चन का आंसर है जो बहुत पहले सीबीएसई बोर्ड में आया था. व्हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट इवन दो इट द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग. क्योंकि वो ओवरऑल एवरेज है. एवरेज चीज तो बदलेगी नहीं ना, तो ये उसका आंसर होता होता. तो इन्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट क्यों है उसका रीजन लिख दिया है यहाँ पे. ठीक है, दैट इज द रीजन वाई दिस डज नॉट गो विद दिस. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपरपोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है. तो बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दूसरा, ये बहुत ही कह सकता हूँ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था. दोनों स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. ठीक है, तो मैं इसको ईजी की कैटेगरी में ही डालूंगा.